पूरा चट्टान से लदे हुए हैं। देखिए पत्थर किस तरह से दिख रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए हाय हेलो नमस्ते, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे और एक नए ब्लॉग वीडियो में। और आज मैं जा रहा हूँ मोती झरना अपने फ्रेंड के साथ, तो आप मेरे वीडियो पर बने रहे। आपको मैं आज मोती झरना दिखाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है और काफ़ी फेमस जगह है। उसका लोकेशन बहुत ही मस्त है, 24 घंटा झरना का पानी गिरते रहता है, बहुत सुहाना एकदम लगता है उस जगह पे। तो आप मेरे ब्लॉग पर बने रहेंगे, आपको हम दिखाएंगे मोती झरना का लोकेशन कितना अच्छा है, बहुत ही फेमस जगह है वो। तो देखिए हम लोग निकल गए हैं बाइक में, हम और मेरा फ्रेंड है, हाय कर दो इधर। हाय हेलो, हाय। तो चलिए मेरे ब्लॉग पर बने रहे, लोग बाइक से जा रहे हैं। देखिए पीछे मेरा गांव पीछे रह गया, और आज मौसम भी काफ़ी साफ है। देखिए कितने अच्छे नज़ारे हैं, देख सकते हैं पूरे हरा भरा, पूरा धूप निकला हुआ है अभी। देखिए पीछे कितने अच्छे बद्री दिख रहा है, कितना मस्त एकदम लुक। अभी हम रेल लाइन क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, रोड भी काफ़ी ख़राब है थोड़ा, देख सकते हैं। और यहाँ से राइट साइड तालझारी स्टेशन है, देखिए इधर ये रोड, और इधर यही रोड से हम लोग जाएंगे। देखिए हम लोग अब थोड़े देर बाद पहाड़ चढ़ने वाले हैं। देखिए पीछे कितने अच्छे पेड़ लगे हुए हैं रोड के किनारे, ये दुर्घटना से बचाता है पेड़, इसलिए लगे हुए हैं, समझ सकते हैं। फाइनली हम लोग पहाड़ पे हैं अभी। देखिए पहाड़ का नज़ारा आप देख सकते हैं, ये सामने रहा साहिबगंज का रोड, और ये बाएं साइड मोती झरना का मेन गेट दिख रहा है। देखिए कितना अच्छा गेट है। और मोती झरना पूरा एकदम पहाड़ के ऊपर में है, तो चलिए दिखाते हैं मोती झरना। फाइनली गाइस हम लोग मोती झरना पहुंच गए, और देखिए मोती झरना का इस तरह से व्यू है, देख सकते हैं। देखिए उधर पानी जो बरस रहा है, गिर रहा है, वही मोती झरना है। तो चलिए हम लोग उनके पास लेके चलते हैं, मोती झरना के पास। देखिए हमारे दोनों भाई हैं, दोस्त लोग आगे हैं। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं देखने के लिए मोती झरना को। और यहाँ देखिए बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, मंदिर परिसर को स्वच्छ रखें, कूड़ा। तो देख सकते हैं ये रहा मोती झरना का नज़ारा, देखिए काफ़ी मस्त। देखिए यहाँ पे तीन भाग में पानी को बहने के लिए बना दिया है, छोटा छोटा एक आगे है, उधर घेरान लगा हुआ है, उसके बाद ये, उसके बाद ये है। तो देख सकते हैं नज़ारा मोती झरना का कितना मस्त है। देखिए पानी कितना अच्छा गिर रहा है, देखिए और कितना सुहाना आवाज़ आ रहा है पानी का, देख सकते हैं। देखिए हमारे फ्रेंड भी है, पूरा खुश है, देख सकते हैं। देखिए थोड़ा शाम हो गया है, देखिए
लेकिन कितना अच्छा मस्त नज़ारा देख रहा है, बहुत सारे आदमी आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं लोग, भैया लोग, देखिए देख सकते हैं। और इनके अंदर एक भोलेनाथ का शिवलिंग भी है जो मैं आपको दिखा, पहले मैं आपको झरना का और नज़दीक लेके चलता हूँ। देखिए हम करीब आ गए, देख सकते हैं कितना खतरनाक लग रहा है। देखिए कितना मस्त पानी आ रहा है, पूरा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। देखिए देख सकते हैं, लोकल का एक मेरा हम लोग का भाई भी है साथ में, देख सकते हैं। देखिए नज़ारा अच्छा लगता है, सुकून आ जाता है, पूरा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, देख सकते हैं। काफ़ी मस्त लग रहा है। और ये रहा मंदिर का गेट, पीछे में दिख रहा है यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देख सकते हैं तोड़ फोड़ हुआ है और कुछ पिलर वगैरह खड़ा हो रहा है, देख सकते हैं। तो अभी काम चल रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे सावन का मास में आएगा तो काफ़ी आनंद लगेगा, यहाँ पे बहुत सारा श्रद्धालु आते हैं बहुत दूर दूर से। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के महाराजपुर में स्थित है एक पहाड़ी में, और इनका नाम मोती झरना है, देख सकते हैं। तो गैस हम मंदिर का अंदर जा रहे हैं और भोलेनाथ का शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अंदर आ गए, देखिए अंदर का नज़ारा इस तरह है, पूरा पहाड़ चट्टान लगा हुआ है। तो चले दर्शन कर लेते हैं। देखिए यहाँ शिव जी का लिंग यहाँ है, और यहाँ हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। प्रणाम बाबा, ओम शांति, कल्याण हो आपके परिवार का, कल्याण हो। देख सकते हैं प्राचीन काल 1471 का गुफा है जहाँ हमारे भक्तराज घूमने के लिए आए हैं आप लोग। देखिए बाबा बता रहे हैं मंदिर के बारे में, मोती झरना के बारे में। बाबा ये मोती झरना कब से है? ये 1470 में ये राजा मान सिंह का ये गुफा बना हुआ मिला। अच्छा, उसने छोड़ करके चला गया तो यहाँ 500 बरस तक कोई भी नहीं आदमी आया। अच्छा, बीच में ब्रिटिश राज किया, मुगल राज किया, 400 बरस से लोग राज किया। ये लगभग 150 बरस से ये गुफा का जानकारी हुई लोकल आदमी को। अच्छा, काफ़ी मतलब बाबा बता रहे काफ़ी पुराना है ये, मानसिंह काल का ही है। हाँ। तो इस पर मतलब लोकल आदमी धीरे धीरे जागरूक हुआ, उसके बाद इसका बाहर देख रेख किया, बाहर से आदमी भी आया, उसके बाद इसका निरीक्षण हुआ, उसके बाद मंदिर का स्थापना हो गया, और उसके बाद पंडित जी यहाँ रहने लगे और मोती झरना का उसी समय से नाम होने लगा। और काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं देखने के लिए, बहुत इंजॉय भी लेते हैं क्योंकि 24 घंटा यहाँ का मोती झरना का पानी गिरते रहता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है इस जगह देखने में। तो आप समझ सकते हैं मतलब मोती झरना काफ़ी कितना साल पुराना है, बहुत ही पुराना है। तो बाबा ने जो बताया वो सही बात था, देख सकते हैं कितना भयंकर गुफा की तरह है, देख सकते हैं चट्टान कितना बड़ा बड़ा लटके हुए हैं, पत्थर है ये देखिए। और गुफे के अंदर में ये धाम है, मोती झरना धाम। चलिए अब हम बाहर की ओर जाते हैं, फिर आपको झरना का दृश्य। और ये देखिए पूरा चट्टान से लदे हुए हैं, देखिए पत्थर किस तरह से दिख रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए तो गैस आप भी अगर बाहर स्टेट से हैं, यानी कि झारखंड छोड़ के बिहार से हैं या बंगाल से हैं या उससे अदर स्टेट से हैं, तो आप यहां आ सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे साधन हैं, आप ट्रेन से भी आ सकते हैं और बाय रोड भी आ सकते हैं। आपको अगर जो भी ट्रेन से आना है तो आप साहिबगंज आके उतर सकते हैं, एक बड़ा जंक्शन है साहिबगंज, और ये बाय रोड भी है, हाईवे रोड लगा हुआ है इसके किनारे बगल में ही 2 किलोमीटर का नीचे में है। तो आप किधर से भी आ सकते हैं साहिबगंज लोकेशन मार के मोती झरना महाराजपुर। तो मैं इस वीडियो में भी इस जगह का लोकेशन मार दूंगा कि आप किस तरह से आ सकते हैं किधर से, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो गैस यहाँ आके काफ़ी मज़ा आया, बहुत इंजॉय भरा आज का मौसम रहा, तो आप भी यहाँ आके इंजॉय ले सकते हैं। वैसे काफ़ी शाम हो गया, 5:30 बजने चला,
और यहाँ का समय यही होता है 6 बजे तक में यहाँ से जो जितना भी आते हैं दर्शन करने के लिए सबको बोलते हैं कि आप लौट जाएं, क्योंकि यहाँ ये घनी जंगल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो आप अपना सेफ्टी स्वयं रखें। तो गैस यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी है जो यहाँ पे बच्चे के लिए खेलने का बहुत सारा बना हुआ है, देखिए छिड़कने के लिए है। यहाँ पे सर झूला लगा हुआ है, देख सकते हैं। और ये देखिए मोती झरना दिख रहा है। तो गैस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे यही उम्मीद रहेगा। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, भाई को सपोर्ट कीजिए, हमें सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाऊँ इस तरह से। तो आज का ब्लॉग यहीं अंत होता है। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।